आदाब सिखाने वाले, किरदार सजाने वाले, हर फैज लुटाने वाले, इंसान बनाने वाले, तकरीरों मकाले तुमसे, तहरीरों रिसाले तुमसे, हर फन के उजाले। जिन्होंने स्पोर्ट्स मुकाबलों में अपने कॉलेज का नाम रोशन किया, साथ साथ उन तालिबिलों को भी इनामात से नवाजा जाएगा जिन्होंने इंटर के साल अव्वल और बीस के फोर्थ और एट सेमेस्टर में अपने अपने कॉलेजेस में नुमाया पोजीशनें हासिल किए। इस मौके से फायदा उठाते हुए हमने जो क्लस्टर कॉलेजेस के फर्स्ट सेकंड थर्ड बोर्ड में आए हुए जो स्टूडेंट थे उनके लिए भी 15,000, 10,000 और 8,000 इनामात 27 स्टूडेंट को आज पेश किए जाएंगे और आपकी तालियों की गूंज में वो आपसे इनामात लेंगे। हमारे इस क्लस्टर के अंदर 5 फीमेल कॉलेजेस और 4 मेल कॉलेजेस हैं और इनके 27 इन 9 कॉलेजेस के 27 स्टूडेंट 2,97,000 बोर्ड की तरफ से, जो कि पहली दफ़ा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में 2016 से ये स्टूडेंट को इनामात मिल रहे हैं, तो आज ये इनके अंदर जो है ना वो ये हमारे मेहमानाने गिरामी जो आए हैं ये इन बच्चों को की खुशियों में इजाफा करेंगे, इनकी चेहरों पर मुस्कुराहट होगी, आप इनको दाद देंगे और ये खुश रहेंगे। तीसरा जो आपकी प्रेजेंस से हमने फ़ायदा उठाया है वो 25 साल बाद मैगज़ीन की ओपनिंग सेरेमनी आज हम आपके सामने जो है ना वो करेंगे और ये हमारे लिए हौसला अफजाई होगी कि 25 साल बाद जो है ना ये मैगज़ीन आपके हाथ में अभी आ रहा है। इसमें काफ़ी खामियां हो सकती हैं लेकिन ये हमने 25 साल में एक काविश की है, उम्मीद है आप इसको अप्रिशिएट करेंगे। इसके अलावा आज इस मौके से एक और फ़ायदा हम उठा रहे हैं के डायरेक्टर साहब की मौजूदगी यहाँ पर हम प्लांटेशन का भी इफ्तिताह करेंगे और ये डायरेक्टर साहब की ख्वाहिश थी कि ये प्लांटेशन का इफ्तिताह इस यहाँ जो है ना वो इस कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से हो जाए, तो ये एक और जो है ना वो इवेंट आज हम सेलिब्रेट करेंगे, आज हम इनका इफ्तिताह करेंगे। आज मेरे लिए और हमारे डिपार्टमेंट के लिए बहुत एहसास की बात है कि गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चारसरदा का यह हाल इस किस्म की सरगर्मियों से आबाद हुआ है। ये हमारे जितने भी सीनियर प्रोफेसर साहिबान हैं इनको पता है कि हमारे कॉलेजेस में आज से 5-6 साल पहले किस किस्म के हालात थे और अगर कोई इसी इम्तिहान हाल में आया हुआ करता था, बल्कि इतना था कि इस इम्तिहानी हाल में हम इम्तिहान भी नहीं ले सकते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कुछ साल पहले यहाँ पे मैंने खुद एग्ज़ाम लिया था और वो एग्ज़ाम हमने जिस तरीके से वो कंडक्ट किया था वो उस वक़्त के प्रोफेसर साहिबान को याद हुआ होगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह
हालात बहुत तब्दील हो चुके हैं और हमारे तलबा और तालिबात में ये शऊर आ गया है कि वो निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियों में भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और इसमें हमारे असातिज़ा का एक बहुत बड़ा अहम किरदार है। मैं यहाँ पर उन असातिज़ा को और उन प्रिंसिपल साबिका प्रिंसिपल साहिबान को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने हमारे इन इदारों के साथ दिन और रात एक करके मेहनत की है। ये आज उन्हीं के लगाए हुए पौधे हैं जिनके साय में बैठकर हम बहुत आराम महसूस कर रहे हैं। इसी कॉलेज का मुझे याद है कि यहाँ के जो पुराने प्रिंसिपल साहिबान हैं उन्होंने कितनी मेहनत और कितनी तगोदो इस कॉलेज को आबाद रखने के लिए और इसमें तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखने के लिए की हुई हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक तो एक तैयार चीज़ मिला हुआ है, हमें तो इसे आगे बढ़ाना है और इसकी जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं और जो हम निसाबी सरगर्मियाँ हैं उसको अपने बच्चों की तरफ मुंतकिल करना है। इस वक्त हमारे डिपार्टमेंट के अंदर जो उनके एक विज़न है वो ये है कि हमारे तलबा और तालिबात निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि जब तक हमारे हाल और जब तक हमारे प्लेग्राउंड्स हम निसाबी सरगर्मियों से आबाद ना हों उस वक़्त तक हमारे स्टूडेंट्स की सही तरीके से ग्रूमिंग नहीं हो सकती। और यही वजह है कि एक तरफ तो हमारे स्पोर्ट्स पर काफ़ी तवज्जो है, इस साल हमने डिवीजनल लेवल पर स्पोर्ट्स करवाए हैं और अभी चंद हफ्तों के अंदर इंटर डिवीजनल स्पोर्ट्स शुरू होने वाले हैं। साथ साथ सूबाई सतह पर भी कुछ हमारे हम निसाबी सरगर्मियाँ हो चुके हैं और कुछ इस मार्च के आखिरी हफ्ते में एक गाला प्रोग्राम भी है।